विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कांदिवली के ठाकुर विलेज में स्थित वार्ड नंबर 26 में वृक्षारोपण जैसे मुहिम को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय नगर सेविका माधुरी योगेश भोईर ने के द्वारा कांदिवली के ड्रीम पार्क यानी हिंदे हृदय बाला साहब ठाकरे उद्यान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों वृक्ष को आम जनता के साथ मिलकर और एनजीओ नियो स्माइल फाउंडेशन के साथ मिलकर लगाए गए। आइए जानते हैं नगर सेविका माधुरी योगेश भोई ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऐसी क्या खास चीज़ें की है जो उनको बाकी नगर सेवकों से अलग ढलग करती है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपने अपने वार्ड में जिस तरीके से काम किया उसके बारे में जानकारी दी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को 5 जून पर्यावरण दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आज मेरे वार्ड में माधुरी ताई नगर सेविका इनके प्रयास से हमारे मित्र हमारे बड़े भाई दीपक अमीन जी इनकी याद में आज हमने यहाँ पे ट्री प्लांटेशन वृक्षारोपण का कार्यक्रम लिया। अभी इस ट्री प्लांटेशन में लगभग हम लोग अलग अलग वैरायटी की फिर बटरफ्लाई के लिए अलग अलग है ना वैरायटी की हमने पौधे लगाए झाड़ लगाए ट्रीज लगाए और लगभग ठाकुर विलेज में सबसे ज़्यादा पूरे कांदिवली में सबसे ज़्यादा ठाकुर विलेज के ये हमारे एरिया में ट्री प्लांटेशन हमने किए हैं। हमारे साथ मित्रा ग्रुप है और नियो स्माइल फाउंडेशन इनका भी एक योगदान सहयोग रहा है कि आज का ये ट्री प्लांटेशन सक्सेस करने के लिए। मराठी प्रतिष्ठान हमारे साथ है, ठाकुर विलेज के बहुत सारे लोग हैं और इनके प्रयत्नों से यहाँ पे आज ट्री प्लांटेशन यहाँ पे किया है। मैं इस ट्री प्लांटेशन मतलब आज पर्यावरण दिवस के अवसर पे सभी भारतीयों को मेरे मुंबई के महाराष्ट्र के लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप भी हर एक इंसान ने एक पौधा लगाना चाहिए और वो ज़िंदा रखने के लिए जितना भी हो सके पानी या फिर उसको अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। हर किसी को छाई चाहिए, हर गाड़ी को छाई चाहिए, हमारी गाड़ी पार्किंग में भी हो तो वो भी छाई के नीचे होनी चाहिए, हर किसी की ये भावना है। लेकिन वो छाई देने वाला पेड़ हम लोग अगर लगाएंगे तो ये भावना और अच्छे तरह से लोगों में जागरूक हो सकती है। तो लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि आने वाले समय के लिए हमको ऑक्सीजन अच्छी तरह मिले, आप लोग पेड़ लगाए और हर जगह पे ग्रीनरी हो। जय हिंद जय महाराष्ट्र जी। इस ड्रीम पार्क में ऐसी क्या खासियत है जो बाकी नगर सेवक से आपको अलग करता है? सबसे पहले तो ये गार्डन ही बहुत बड़ी खासियत है जो पूरे मुंबई में सिर्फ मेरे ही वार्ड में है। और इसका इनॉग्रेशन किया और इसका नाम ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, मतलब गर्व से हम लोग कहेंगे कि हमारे बड़े साहब का नाम हम लोग ने ये गार्डन में दिया है। और इसमें खासियत ऐसी है कि 10 फीट रेन हार्वेस्टिंग उसका 10 फीट यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब पानी की समस्या जो पूरे मुंबई में या गार्डन में रहती है जब लगभग बारिश के पहले पौधों को जैसे पूरे मुंबई में पानी की समस्या रहती है जून जुलाई के पहले मतलब अप्रैल मई में, वैसे हर एक गार्डन में हम लोग ने मेरे यहाँ पे 16 गार्डन है और भूमि वैली का जो ऊपर वाला गार्डन है वहाँ पे भी हम लोग ने ये पीट लगाए और यहाँ पे भी 10 पीट बनाए हुए हैं। मतलब ये इतना बड़ा जो गार्डन है वो मेंटेन रखने के लिए ये सब किया है। अभी हर एक आप देखोगे कि छोटे छोटे जैसे जगह पे सब जगह पे पेड़ है, मतलब यहाँ पे ऐसी कोई भी जगह नहीं है कि जो ओपन है, जो गार्डन रहेगा बच्चों के लिए खेलने के लिए वही, बाकी सब जगह पे पेड़ लगाए हुए हैं। तो मतलब उसके लिए हम लोग ने ये पानी की समस्या रहती है इसके लिए वो ये किया। और ज़्यादा से ज़्यादा खासियत ऐसा है कि ये जो रिन्यूवेशन किया है ये देखने के लिए और ये गार्डन इतना अच्छा बनाया है, जो इसका इनॉग्रेशन हुआ पूरे मुंबई में इसका सब मतलब पूरे मुंबई में इसका बोलबाला था। तो मुझे लगता है कि सैटरडे संडे यहाँ पे 5,000 पब्लिक रहती है। और ख़ास बात ये कि आपने खाली ग्राउंड में जिस तरह प्लांटेशन किया चाइनीज वाला, उसके बारे में बताइए क्या है ये? मियावाकी। हाँ, ये मियावाकी आपने आप वहाँ पे जाके देखिए कि ये जो प्लांट है ये यहाँ के प्लांट नहीं है, ये बाहर से प्लांट मंगवा के उसका वो जो मियावाकी वो जो है वो पूरे प्लांट लगा के देखे, मतलब वहाँ पे अगर आप जाते हो तो एकदम फ्रेश लगता है आदमी को, मतलब मन एकदम प्रसन्न, मराठी मध्ये जे बोलतात की मन प्रसन्न होतं, तसं तुम्ही तिथे गेलात तर तुम्ही बघा की मियावाकी म्हणजे काय आहे ते आम्ही तिथे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून बनवलेलं आहे। आणि हे गार्डन मला वाटतं फिरायला हे गार्डनच अर्धा एक तास लागेल एवढं सुंदर गार्डन हे आपण बनवलेलं आहे। मियावाकी में खर्चा कितना हुआ सरकार का बीएमसी? वो तो हमारा फंड था ना, वो फंड में से वो लोग ने बनाया ना। अभी वो टिपिकल खर्चा मैं आपको सब बता के कल बता देती हूँ कितना खर्चा हुआ और क्या हुआ। और पर्यावरण दिवस के अवसर पे बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो प्लांटेशन से जुड़कर देश में हरियाली लाता है? सिर्फ इतना ही कहूँगी कि सभी को पर्यावरण दिन की शुभकामनाएं
और हम लोग पर्यावरण दिन होता है तो हम लोग सब लोग पेड़ लगाते हैं, पेड़ जगाते हैं और लोगों को बताते हैं। लेकिन मेरा ऐसा एक कहना है कि हर रोज़ या फिर हम लोग ने पेड़ एक एक लगाना चाहिए। अभी मेरे वार्ड में ठाकुर विलेज में अभी आज हम लोग ने इनॉग्रेशन किया, लेकिन ये पूरा महीना मतलब जून जुलाई बारिश तक हम लोग हर एक गार्डन में पेड़ लगाते रहेंगे। इसके पहले लास्ट 15 दिन भी हम लोग ने पेड़ लगाने का प्रोग्राम किया था, मतलब ये तो हम लोग का चालू ही रहता है। इसके लिए पूरा ठाकुर विलेज हमका हमारा हरियाली है। हेल्थ फाउंडेशन लास्ट 3 वर्षापासून सोशल वर्क करते हैं। आम्ही कोरोनाच्या वेळेमध्ये जवळजवळ 7 व्हेंटिलेशन मशीन्स आम्ही गुरु नानक हॉस्पिटलला दिलेले आहेत। त्याच्यानंतर रत्नागिरीमध्ये जवळजवळ आम्ही 17 सोलर पॅनल दिलेले आहेत। त्याचप्रमाणे कोरोनाच्या वेळेमध्ये ज्यांना आर्थिक दृष्टीने मदत करायची होती त्यांना आम्ही मदत केलेली आहे। आणि 3 वर्षामध्ये इवन निओ फाउंडेशन फार बोलतात ना की सोशल किंवा मदतीच्या दृष्टीने फार चांगलं कार्य करत आहे। ठीक आहे, आता आमचं आजच्या पर्यावरण दिवसाच्या निमित्ताने जवळजवळ आम्ही 3 ठिकाणी इथे आता प्रोग्राम घेते इथे घेतलेला आहे, त्याच्यानंतर सेंटरला एक घेतलेला आहे। तर 3 म्हणजे जवळजवळ 3 वर्षामध्ये फार असं आम्ही बोलतात ना सोशल वर्क हे चांगल्या पद्धतीने करत आहोत निओ फाउंडेशन। थँक्यू। Yeah, so we at Neo Smile Foundation, our main spirit is to create sustainable change. So we are supporting a greener planet and we are that's why supporting this Environment Day and plantation activity. Thank you. We Neo Smile Foundation established on 28 March 2019, where we is planting trees, working on green energy. As the global warming is rise due to temperature rise, we are working now in solar energy. In last month we had done the solar activity in Ratnagiri, where we planted solar street lights in whole Ratnagiri. In yesterday we had done in Children Aid Society, where there is a homeless child are there. We had make the butterfly garden, and here today in the World Environmental Day we had planting the trees here in the World Environmental Day. Namaskar. Marathi Sanskrutik Mandal Thakur Village. Aaj Jagatik Paryavaran Divas, tyacha sarvana shubhechha. Pan mi Marathi Sanskrutik Pratishthan tarfe nustya shubhechha deun thambnar nahiye. To majha asa mhanna aahe ki aami aaj upakram kela itho ya हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे उद्यानात। आम्ही 4 ते 5 संस्थांना इथे बोलवून, शिवाय आमचे नगरसेवक नगरसेविका यांना बोलवून इथे वृक्षारोपण केलेलं आहे। आणि ते वृक्षारोपण करूनही नुसतं भागणार नाही, तर ती जी झाडं लावली आहेत त्यांना खतपाणी घालून ती वाढवली पाहिजे, त्याची जोपासना केली पाहिजे, तर ती आम्ही करणारच आहोत।